हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। हम सब मिलते हैं फ्राइडेज को लाइव सेशंस में। पिछला लाइव सेशन किसी कारण से हमारा कैंसिल हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो इस बार हम फिर मिलेंगे। टॉपिक हमारा वही रहेगा, वास्तु एंड फेंगशुई। फेंगशुई में अपनी लकी डायरेक्शन जान के आप फेंगशुई का क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर की ऊर्जा उठ जाए, आपके घर का वास्तु और पहले से बेटर हो जाए। कई बारी क्या होता है कि फेंगशुई के यदि हम फेवरेबल डायरेक्शंस में सोते हैं, पढ़ते हैं उस दिशा में बैठ के, और जो उसका रेमेडियल पार्ट है वो करते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो और साथ साथ वास्तु को भी हम कुछ कुछ टिप्स देते हैं जिससे आप अपने घर का वास्तु फेंगशुई के कुछ आइटम्स लगा के अपने घर के एनर्जी लेवल को उठा सकते हैं। तो इस बार हम मिलेंगे फ्राइडे लाइव यूट्यूब पे 7:15 बजे। सबको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के रखनी है, एक कॉपी पेन लेके रखना है। आप अपने स्पेशल डेज, अपने स्पेशल डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। वो निकालने के बाद आपकी फेवरेबल डायरेक्शंस और जो डायरेक्शंस आपको फेवर नहीं करेंगी, हमेशा कुछ डायरेक्शंस हमारे लिए अच्छी होती हैं, कुछ डायरेक्शंस हमारे लिए नेगेटिव होती हैं। हम खुद देखते हैं कि जैसे कई बार बोलते हैं ना कि भाई साउथ वेस्ट के घर की एंट्री अच्छी नहीं होती, लेकिन साउथ वेस्ट के घर वाले बहुत फलफूल रहे होते हैं और अच्छी उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी, और जो वास्तु के हिसाब से जो वास्तुकार कहते हैं कि साउथ वेस्ट एंट्री या साउथ एंट्री बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है हिंदू इंडियन वास्तु के हिसाब से, बट क्योंकि यदि डायरेक्शंस उस पर्सन के हिसाब से है, हर घर का वास्तु, हर घर की जो कहते हैं ना मिट्टी, हर घर की चीज़ हर पर्सन को कहीं ना कहीं खींचती है। आप मैग्नेट की तरह उस वास्तु की तरफ खींचते हैं। तो यदि हम थोड़ी सी जानकारी से अपने उसी वास्तु लेवल को उठाने के लिए कुछ रेमेडियल पार्ट, कुछ डायरेक्शंस को समझ लें कि कौन सी सकारात्मक है, और सबसे बड़ी चीज़ घबराएं नहीं यदि आपके डायरेक्शन आपके हिसाब से पॉजिटिव नहीं है। जो भी बताया जा रहा है आप उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे उसकी रेमेडियल पार्ट भी आपको ज़रूर साथ साथ मिलता ही रहेगा। इसी के साथ मिलेंगे हम फ्राइडे को 8:15 बजे रात को यूट्यूब लाइव। थैंक यू।